Hello students, in today's lecture we are going to deal with mechanism of acidic buffer. Buffer solution पे हमने separate video बनाया है, link आपको नीचे description में मिल जाएगी, देख लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि acidic buffer exactly कैसे work करता है, उसका function किस प्रकार से होता है। तो acidic buffer के कई examples हमने आपको पढ़ाया है, तो acidic buffer का एक example हम यहाँ लेंगे। Acetic acid CH3COOH and sodium acetate दोनों को पानी में डिसॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा एसिडिक बफर, ठीक है ना। अब एसिडिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर इट डिसोसिएट्स अप टू ए लिटिल एक्सटेंट। क्या बनाएगा ये CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सोडियम एसिटेट कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक स्ट्रॉन्ग। तो सोडियम एसिटेट वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट वाले रिस्पॉन्स से इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, इसीलिए इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। खूब ज्यादा आयन से बनाएगा कौन से CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब दोनों ने CH3CO को नेगेटिव आयन बनाए जिनको हम कॉमन आयन कहेंगे। दोनों केसेस में कॉमन आयन प्रोडक्ट साइड में दिख रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, प्रोडक्ट स्पीसीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा, बताइए तो जरा। हमने एसिडिक बफर बनाया है ना, दोनों डिसोसिएट हो गए, दोनों ने कॉमन आयन प्रोड्यूस किया। अब मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट स्पीसीज का कंसंट्रेशन कम होगा कि बढ़ेगा। तो ये कॉमन आयन दोनों केसेस में प्रोडक्ट साइड में होने के कारण प्रोडक्ट स्पीसीज का कंसंट्रेशन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और प्रोडक्ट स्पीसीज का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण अकॉर्डिंग टू ली कैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम, which principle we are using here, Lee Cattelier's principle, क्या होगा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू रिएक्टेंट साइड। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ज्यादा CH3CO नेगेटिव आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दे विल कंबाइन विद H पॉजिटिव आयंस टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड CH3COOH। CH3COOH वैसे बन रहा, इसका मतलब क्या होगा कि CH3COOH का डिसोसिएशन सप्रेस हुआ, कम हो गया, ठीक है। अब ऐसे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन हमने बनाया है एसिडिक बफर का, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज रहेगी, तो एक रहेगा Na पॉजिटिव आयन, दूसरा रहेगा CH3CO नेगेटिव आयन, थोड़े बहुत H पॉजिटिव आयन भी रहेंगे और अनडिसोसिएटेड CH3COOH भी एक्सेस में रहेगा। अब ऐसे सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऐड एसिड, ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड लाइक HCl एडेड हियर। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस बनाएगा कौन से H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव जितने भी HCl से बनाए जाएंगे, फर्निश किए जाएंगे, ऑल विल बी कंज्यूम बाय इनको, इन सभी H पॉजिटिव को कौन कंज्यूम करेगा, CH3CO नेगेटिव, और यहां बनेगा CH3COOH। HCl से जितने भी H पॉजिटिव आयंस फर्निश किए गए थे उन सभी को CH3CO नेगेटिव ने कंज्यूम किया, इसलिए क्या कहा जाएगा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। अब H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया तो pH भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी इन आयंस में जिसके कारण सॉल्यूशन का pH कांस्टेंट होता है, तो देखो जरा डिसाइड करते हैं यहां पे किस प्रकार से। तो H पॉजिटिव
क्यों कौन सा नेचर इंटीग्रेट करता एसिडिक नेचर एसिडिटी को कौन न्यूट्रलाइज करता बेसिसिटी मतलब इन आयंस में कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी बेसिसिटी ठीक है अब ये आयंस सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट है देखिए इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है कहलाएगी रिजर्व बेसिसिटी एंटर पॉइंट नंबर वेयर इवन ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट ड्यू टू रिजर्व बेसिसिटी ऑफ एसिडिक आयंस अब हम दूसरा सॉल्यूशन ऐड करके देखते हैं थोड़ा सा NaOH ऐड करेंगे NaOH कौन सा आयन बनाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस को कौन कंज्यूम करेगा यहां देखिए जरा तो OH नेगेटिव आयंस कंज्यूम बाय CH3COOH जो इस सॉल्यूशन में पहले से ही प्रेजेंट है देखिए तो बनेगा क्या CH3COO नेगेटिव देखो ये OH नेगेटिव है यहां से H पॉजिटिव को कंज्यूम करेगा बनेगा वाटर प्लस CH3CO को नेगेटिव आयन अब जितने भी OH नेगेटिव आयंस एनवेट ने फर्निश किए थे उन सभी को इसने कंज्यूम किया CH3COOH ने मतलब क्या होगा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा जिसके कारण H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगा देयरफॉर pH आल्सो रिमेंस कांस्टेंट अब एक जो प्रॉपर्टी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी क्या कहलाएगा ये तो देखिए OH नेगेटिव कौन सा नेचर इंडिकेट करता बेसिक बेसिसिटी को कौन न्यूट्रलाइज करता एसिडिटी ठीक है और ये एसिडिक एसिड यहां पहले से प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में इसलिए हम कहेंगे रिजर्व ऑफ एसिडिटी देयरफॉर pH of this solution remains constant even on addition of small amount of base due to reserve acidity of CH3COOH. आपको ये भी याद रखना है कि buffer solution के mechanism में reserve acidity या reserve basicity कौन सी species दिखाती है?